नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्टीक ऑफ लाइट, ए सोयल एनालिसिस। आज हम चर्चा करने वाले हैं भीमटा नीलचट्टे और नीलटे, ये कौन सी प्रजाति भारत में आ गई उसके ऊपर। तो आइए, चलिए बने रहते हैं वीडियो के अंत तक। उससे पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज नीलचट्टे की उसकी औकात इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आइए चलिए बनते हैं। भीमटा नीलचट्टे नीलटे, ये भीमटा एक सुअर की प्रजाति है। सुअर बोले तो आपको ध्यान में आ गया होगा, जैसे ही सुअर बोलने पे आपके माइंड में आ जाएगा, तो उसी टाइप का है सुअर। सुअर की प्रजाति है भीमटा नीलचट्टे नीलटे। ये देखना कभी कभी तो ब्लू साफा बांधे रहता है, ब्लू कलर का मारे रहेगा ऐसे साफा। इसमें कुछ घुसे हैं अंबेडकरवादी, जो अपने आप को बोलते हैं हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकर बाबा अंबेडकर को मानते हैं, भीमराव अंबेडकर को। भीमटा नीलचट्टे और नीलटे ये आए दिन स्वर्ण समाज को गाली देते रहते हैं, आए दिन नहीं हर रोज, और एक की संख्या में नहीं है ये। नीलटे नीलचट्टे भीमटे की जैसे सुअर कैसे है, सुअर के औलाद को देखते होंगे तो एक सुअर है जो जिसके पास करीबन 16-17 उसका बच्चा पिल्ला होता है, तो ऐसे ही अब एक सुअर के अगर 16-17 पिल्ले होंगे तो भीमटा नीलचट्टे नीलटे ये लोग हैं, ये काफ़ी संख्या में हैं, और इनको दो दो रुपए की मोहताज हैं ये। दो दो रुपए इनको कहीं से मिल जाए तो उनकी ये जाके चाटना शुरू कर देंगे और उनके इर्द गिर्द घूम के उनकी सफाई करना शुरू कर दें, जो भी गंदगी है उसको सफाई करना शुरू, तब तो वहाँ तक तो चलो ठीक है। लेकिन ये भीमटा नीलचट्टे नीलटे इतने दिमाग के ढोल है कि ये देश के साथ भी गद्दारी करने से बाज नहीं आता। अब बोल रहे होंगे कि भाई सुअर देश से गद्दारी कैसे करे, तो सुअर देश से गद्दारी नहीं करता है, सुअर अपने मालिक से गद्दारी कर देगा, उस टाइप के है। जैसे सुअर को आपने देखा होगा कि जो मालिक है उसके मालिक को, जो खेतिहर मालिक होते हैं उनके खेत में सुअर जाएगा और उसकी फसल को बर्बाद कर देगा, फसल को बर्बाद कर देगा, जमीन को बंजर कर देगा, और इतनी गंदगी फैलाएगा, इतनी वीट करेगा, इतना वीट फैलाएगा कि, और वो किसी काम का भी नहीं है, ना तो खेत में उसका उर्वरक क्षमता उससे बढ़ता है ना कुछ, और खेत बर्बाद ही होता है। तो उसी टाइप के भीमटा नीलचट्टे नीलटे हैं, ये प्रजाति है, ये इंसान रूप में है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये चीन के चंदे पे पलते हैं, चीन जो भारत के देश के, जो भारत देश के खिलाफ है उनके चंदे पे ये पलते हैं, या तो फिर बड़े बड़े गैंगस्टर के, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो देश को बर्बाद करने के लिए भारत में अपना फंड करता है उसके फंडिंग पे ये पलते हैं भीमटा नीलचट्टे नीलटे, ये जो भी हैं। और ये टारगेट किसको करते हैं, ये टारगेट करते हैं स्वर्ण समाज को। स्वर्ण समाज को क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि इस भीमटा नीलचट्टा नीलटा को पता है कि स्वर्ण समाज जब तक है जब तक इस देश को कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, इसको भली भांति पता है। ये भले अपने मन से बोले ना बोले वो अलग विषय है, परंतु ये भीमटा नीलचट्टा नीलटा बोलता है, सुअर का औलाद, सॉरी सुअर का नाजायज औलाद ये बोलता है, और ऐसा गंदा गंदा गाली देगा कि आप अगर सामने आमने सामने हो ना तो फिर हो सकता है कि दो पार्ट में आप बांट भी दें उसको, तो इस टाइप से ये गाली देता है। इसलिए गाली देता है कि वो भी प्रतिकार करे और फिर हम उसको SC ST एक्ट में, जो संविधान में जो इसको मिला है ना भीख, SC ST एक्ट, इसके तहत। और ये इतने सातिर है भीमटा नीलचट्टा नीलटा कि संविधान के पल्लू में छुपता है, आके भौंक के चला जाएगा। भाई आओगे, कुत्ता अगर किसी को काटेगा तो कुत्ता को मारेगा ना आदमी, लेकिन ये जब कुत्ता को मारोगे तो ये जाके पल्लू में छुप जाएगा, किसके, संविधान के पल्लू में छुप जाएगा। और एक चीज और है इसकी खासियत, ये भीमटा नीलचट्टे नीलटे देखते होंगे सुअर को, कि सुअर जो है ना उसके लिए कहीं खेती नहीं होता, स्पेशल खेती नहीं होता है, वो किसी उसके खेत में, उसके खेत में, उसके खेत में, उसके खेत में वो जाके अपना पेट भरता है, भोजन पानी करता है। वैसे ही ये भीमटा नीलचट्टा नीलटा ये आरक्षण की बैसाखी ले रखा है संविधान से। इसका कोई बाबा था
वो इसको आरक्षण दिया था और इसको अधिकार दिया था। इसको इतना अधिकार दे दिया है कि स्वर्ण समाज को गाली देता है, उसी के घर खेती में खाएगा, उसी के खेत से ही अपना औलाद को पालेगा, उसी के खेत से जानवर पालेगा, उसी के खेत से अपना पूंजी बनाएगा और उसी को गाली देगा और उसी के प्रति साजिश करेगा। ये ऐसा भीमटा नीलचट्टे नीलटे, अगर ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द कोई हो तो उसको बिना ये सब सोचे समझे, बिना लांग लपेट किए हुए उसको पहले तो लाठी से मार के भगा दिया, क्योंकि फसल की बर्बादी आपकी है। और फसल की जब भैया आपकी बर्बादी है तो रखवाली भी आप ही को करना होगा, क्योंकि सुअर के नाजायज औलाद बहुत है, मतलब बहुत मिल जाएगा, बोरे के बोरे मिल जाएगा, खांचे के खांचे मिल जाएगा। तो ये उस कैटेगरी के है और ये हर जगह मुंह मारेगा, क्योंकि इसको पता है कि हम जब तक मुंह मारेंगे नहीं, जब तक हमको कोई मारेगा नहीं, और जब तक कोई हमको मारेगा नहीं, जब तक इसके तहत उसको हम फंसाएंगे नहीं, और जब तक कोई इसके तहत फंसेगा नहीं तब तक मोट रुपया आएगा नहीं। इसलिए ये नीलचट्टा भीमटा नीलटा जो है ऐसे ऐसे षड्यंत्र करता है। और इनको जो बाहर से फंडिंग हो रहा है ना, इनके एक से एक वकील हैं जिसको पन्ना ने पेज नहीं पलटने आता है। अगर बेंच पे गया ना कोर्ट में और डायरेक्ट अगर जज साहब बोल दें कि 119 पेज के खंड खन निकालो, तो वो ढूंढते रह जाएगा 3 दिन तक, अब बोलेगा कि सर दूसरा डेट दे दीजिए। वैसा वैसा वकील खड़ा कर रखा है। लेकिन स्वर्ण समाज के कुछ दलाल है, जैसे दलाल हर जगह, आपको पता होगा दलाल हर जगह होता है, वैसे ही स्वर्ण समाज में भी कुछ दलाल है, जो कुछ लोग अपना बेटी बहन को भी इज्जत को बेच देता है यही नीलचट्टे भीमटे के चक्कर में। कुछ लोग ऐसा भी है कि इनका प्रतिकार करता है। तो जो बेचने वाले होते हैं ना अपनी माँ बहन की इज्जत को, जो बेचने वाले होते हैं वो इनका सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से दाम मिल जाएगा अच्छा, और वो लोग बेचते हैं, और खिलाफ किसके, अपने ही समाज के खिलाफ जाके। तो वैसे भी दलाल अगर कोई हो तो उसको भी वही इलाज कीजिए जो सुअर के साथ, जैसे खेत में जब सुअर जाता है फसल बर्बाद करता है उस समय करते हैं, उसी टाइप से उसका भी इलाज कीजिए, उसको गांव में मत आने दीजिए, और उसको अगर हो सके तो जिस जगह पर वो है उस जगह पर जाके उसका इज्जत और सत्कार कीजिए, तभी ऐसे ऐसे समाज में लोग शांत होंगे। नहीं तो ये लोग चंद दलाल पूरा समाज को बर्बाद कर रहा है आज के डेट में, अपनी बहन बेटी को नंगा नचवा रहा है यूट्यूब के रील पे और इंस्टाग्राम के रील पे, फेसबुक पे नंगा नंगा तस्वीर है, हाफ चड्ढा में हाफ बनियान में ऐसे ऐसे स्वर्ण समाज की बेटियां नंगे नाच रही है, और वही दोगले लोग इस लोग को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसको गंदगी पसंद है और उसको भी गंदगी, जो दलाल है उसको भी गंदगी पसंद है। अभी दोनों मिलके जो अमन चैन से रहने वाले उसको परेशान करता है। तो ऐसे ऐसे लोग को इलाज कीजिए, नहीं इलाज कीजिएगा तो आपका जो समाज है ना वो आपका समाज को ये लोग तोड़ देगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, परेशान करेगा, खत्म तो नहीं करेगा लेकिन परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि आपके समाज के जमीन जायदाद बिक जाएगा, आपके समाज के लोग बाहर भागने को मजबूर हो जाएंगे, घर परिवार छोड़ के भागने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हालात में आपके समाज ऐसे ऐसे हालात में आपका समाज पहुंच सकता है। इसलिए भीमटा नीलचट्टा नीलटा को जहां देखिए उसको वैसा ही स्वागत कीजिए जैसे खेत में सुअर जाता ना है, तो उसको कैसे इलाज करते हैं। तो देखे होंगे कभी कभी कि सुअर को मारने के नाम पे एनिमल का एक एक्ट लगता है, जानवर को आप मार रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, उसके लिए एक्ट लगता है। लेकिन जब सुअर खेत में पहुंचेगा और नुकसान जब करेगा ना, तो आप मारिए, वीडियो बनाइए, पहले आज का डेट वीडियो का है, पहले वीडियो बनाइए, उसका रिकॉर्ड उसका सबूत रखिए, उसके बाद इनकी जो है ना वो मरम्मती का कार्य, जिसे देखते हो पुल पुलिया टूटता उठता है ना उस टाइप से, फिर उसको मरम्मत किया जाता है, वैसे ही इस सब का जब तक मरम्मती नहीं करोगे ना ये भीमटा नीलचट्टे नीलटे को, तब तक ये सब सुधरने वाले नहीं है। ये आपके भी गांव में होंगे, क्योंकि आजकल ये राजनीति में भी पैर पसार रहे हैं बहुत तेजी से। देखे होंगे कोई पेरियार का साफा बांधेगा, कोई पेरियार को लगाए, पेरियार बलात्कारी जो अपने बेटी या पोती को बलात्कार करता था उसके साथ नंगे सोता था, उस पेरियार के लोग उस पेरियार के ही विचार पर चलने वाले सुअर प्रजाति के नस्ल है। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे गंदगी को जब तक आप साफ नहीं करेंगे ना, तब तक ये नीलचट्टे नीलटे ये हर जगह गंदगी फैलाता रहेगा। इसलिए और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि इसको जब स्वर्ण समाज ही अगर इनको सफाई करेगा तभी ये SC ST लगाएंगे, नहीं तो दूसरा अगर कोई भी बिरादरी मारे, दूसरा कोई धर्म के लोग इसको मारे, कुछ भी करे, ये कुछ नहीं बोलेगा, इसको पता है
कि अगर कुछ किए तो वाऊ मारेगा, लेकिन स्वर समाज मारेगा नहीं, मैनेज करेगा। मैनेज करेगा तो पैसा से, पैसा जब मैनेज होगा पैसा से तो पैसा हमारे पास होगा। स्वर समाज चाहे खेत बेचे, चाहे अपनी बहन बेटी का इज्जत बेचे, कुछ भी करे, हमको पैसा चाहिए। इसलिए भीमटा नीलचट्टे नीलटे बहुत ही संयोजित तरीके से, बहुत ही साजिश के तहत तरीके से ये अपने देश में पूरा पैर पसार रहा है। इनकी हर एक पैर को तोड़िए, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। धन्यवाद।